शिवरात्रि का महापर्व आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, प्रभु की कृपा बनी रहे आप सभी पर। आप सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में हिंदू समाज को, सनातनों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है, जब भी शिवरात्रि आती है तो नगरवासी उत्साहित रहते हैं, हर व्यक्ति सनातनी उत्साहित रहता है कि भोलेनाथ के दरबार में शीश नवाएंगे। इसी क्रम में आज कई मंदिरों के हमने आपको दर्शन कराए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी निम्बच माता मंदिर उदयपुर के, जहां रोप वे शुरू हो रहा है, वहां पर है। फतेह सागर के इस इधर वाले छोर पर निम्बच माता मंदिर, नजारा है यहाँ का। बता दें कि ये नया रोपवे है जो निम्बच माता नहीं जा सकते, चलने में दिक्कत आती है, वो यहाँ से आराम से जा सकते हैं। सुविधाएं होती जा रही है, सुविधाओं का जो दौर है वो चालू है। नगर निगम, UIT, वन विभाग, परिसर विभाग, जल विभाग, तमाम जितने भी विभाग हैं, मिलकर उदयपुर को कैसे अच्छा बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, उसके संबंध में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ये सभी की, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर उदयपुर के इस विकास में अपना योगदान दें। उदयपुर में, मेवाड़ में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए किले हैं, जिन्हें हमें संरक्षण करना है, ये हमारी अति धरोहर है। राजा महाराजाओं के नाम से ही विश्वविख्यात जिले के नगर की शोभा तो बढ़ा ही रही है, इसके साथ साथ पूरे विश्व में इनकी गूंज जा रही है। लोग इनको देखने के लिए आते हैं, आतुर रहते हैं, कब हम फतेह सागर, पिछोला, बड़ी झील, फतेह सागर, दूध तलाई, जयसमंद, राजसमंद, न जाने कितने ही नदियाँ, डैम, तालाब देखने के लिए यहाँ पर आते हैं हमारे देश में। और देखिए कितनी ये अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी है, पूरी बस भर के आई है। आप देख सकते हैं कि उदयपुर का विश्व पटल पे कैसे छा रहा है, और उदयपुर वासियों की अब जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर को और सुंदर कैसे बनाए, और अच्छा कैसे बनाए। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को क्या दे सकते हैं, हम अपने शहर को और हरा भरा रखने में, और सुंदर जिले बनाने में, नदियाँ बनाने में, डैम बनाने में, और कहाँ कहाँ भागीदारी निभाएं। हमको भी अगर आगे बढ़ना है तो हमें भी समझौते करने पड़ेंगे, और हमें भी अब अपने जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए, हमारी मेवाड़ की धरती के लिए बहुत सारा त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। नगर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, सुविधाओं का अभाव होते जा रहा है, हमारे पास संसाधनों का बहुत कमी है, संसाधन अभी तक हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास बस स्टैंड की ज़मीनें, उनको बहुत कुछ चाहिए। सरकारी ज़मीनें जितनी भी है उसको अवैध रूप से खाली कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर बस स्टैंड, अच्छे पार्क, अच्छे गार्डन, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे सरकारी दफ्तर, मतलब कहने का मतलब है जब तक हम योगदान नहीं देंगे तब तक हम अपने शहर को खूबसूरत नहीं बना सकते हैं। लोग आएंगे, रहेंगे कहाँ, कहाँ खड़े रहेंगे, इसके लिए हर चीज़ की सुविधाएँ होनी चाहिए। लोग आए तारीफ करें, अरे ये वो बस स्टैंड, ये महाराणा भोपाल बस स्टैंड, ये फतेह सिंह जी बस स्टैंड, अलग अलग स्टेशन होने चाहिए ताकि लोग यहाँ की सराहना भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, तो और भी ज़्यादा करते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम लोग अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, हम अपने लालच को छोड़कर निस्वार्थ भावना से उदयपुर के लिए त्याग देंगे। मैं भी उसमें से एक हूँ कि अपना त्याग दे रहा हूँ, कि आपको वीडियो बनाकर उदयपुर की सुंदरता पूरे विश्व को दिखा रहा हूँ। आइए हमारे शहर में, आइए, वेलकम, हमारे शहर को देखिए, हमारा सुंदर शहर घूमने के लिए आइए। तो लोग घूमने के लिए आते हैं, जब उन
उनके साथ कोई हिंसा हो जाती है या उनके साथ कोई चोट हो जाती है तो फिर हम हमारी छवि धुंधली होती है, हमारे ऊपर एक दाग बन जाता है। उदयपुर की पुलिस को और भी अच्छा होना पड़ेगा। उदयपुर की पुलिस को भी अतिथियों के प्रति संवेदनशील होते हुए उन्हें और ज़्यादा सुविधाएँ देनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इंजॉय करें, आनंद करें और हमारे उदयपुर की इकोनॉमी राजस्व बढ़े। क्योंकि उदयपुर का आप जानते हैं कि पूरा पर्यटक क्षेत्र है, पूरा पर्यटक अगर आते थे तीन चार महीने कभी पूरे साल कहीं कहीं बरसात होती रही है, लेकिन तीन चार से पाँच फीट पानी जो है नीचे उतर गया है। अभी गर्मी आनी बाकी है, आप सोच सकते हैं कि इतना जल्दी पानी उतर रहा है, कितना लोग पानी की खपत कितनी है, पानी की आवक बहुत कम। पहले राजा महाराजाओं ने कई डैमों का निर्माण किया था, लेकिन हमारी सरकारें विफल है डैम बनाने में। छोटे छोटे डैम बनाते ज़्यादा उसको पानी भराव क्षमता रहती नहीं है और पानी को पंप करके भी बहुत कम मात्रा में, अगर पानी को पंप किया जाता तो शायद ये झील फुल होती है, पूरी भरी होती कचाकच। लेकिन ये आपके सामने है स्थिति क्या है। पानी ही तो हिम गया, हिम है गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाँ न जाए। पानी से ही बर्फ बनता है, बर्फ से ही वापस पानी बन जाता है। व्यक्ति को हमेशा वैसा ही रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए कि मैं आज बहुत पैसे वाला हो गया, एक न एक दिन पैसा भी खत्म होगा, लालच भी खत्म होगा। तुम जिस दौलत को इकट्ठा कर रहे हो इधर उधर से मार मार के, एक दिन बुलडोजर चल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम भी रोड पर आओगे, तुम्हारी पीढ़ियाँ भी रोड पर आएगी। सारा खर्चा जो किया, मेहनत का कमाया, जो रुका है वो कमाई भी कोई साथ नहीं आएगी और एक भी बुलडोजर आएगा आपकी सारी खुशियों को तोड़ देगा। इसलिए सरकारी भूमि को खाली करें और सरकारी भूमि पर बस स्टैंड, हॉस्पिटल ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि हम अपने उदयपुर को और सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी निभा सकें। इन्हीं खूबसूरत आशाओं के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी न किसी मोड़ पर, नहीं देखिए आज पूरा धार्मिक दिन है, शिवरात्रि है, महिला दिवस भी है, तो महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएँ बधाई। इसी प्रकार आपका प्रेम, विश्वास, स्नेह ये सब बना रहे, इंसान इंसान के काम आए। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रगति के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने धरोहर के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, इतना मन में विचार करें और बेहतर से बेहतर काम करके बेहतर से बेहतर अपना नाम कमाएं। इन्हीं आशाओं के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप समझें, मरीजों को समझें, जो महाराजा थे जिनकी पुलिस को जिले उन्होंने बनाई है। काम करने वालों की हमें ये देखी घुड़सवारी, किसने कहा काम नहीं, हम चाहे जो कर सकते हैं, हमें जुनून है काम करने का। देश में पूरा 12 किलोमीटर का ये राउंड है, अगर घुड़सवारी भी की जाए 12 किलोमीटर में, तो लोग खुशी खुशी करके जाएंगे। हम और भी इसके साथ कई ऐसे संसाधन हैं चला सकते हैं और हम अपनी आवक को बढ़ा सकते हैं। सुंदर शहर है हमारा उदयपुर और ये संजय पार्क है संजय गांधी जी के नाम से। ऐसा कई विरासत है जो हमारी अपनी है, हम सार्वजनिक हर चीज़ का ध्यान रखें, शराब की बोतलें न फेंकें, हम अपने देश को, हम अपने पार्क को सब अपना समझना होगा, तभी हम एक खुशहाल देश की कामना कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों, ताकि आपको दूसरा वीडियो जो आपके काम का है वो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शिवरात्रि की, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान, जय हिंद।